In this question we have to find the integration of e की power log x plus sin x into cos x dx. Now here we are having e की power log x, so इसको हम लिख सकते हैं x, तो ये हो गया x plus sin x into cos x into dx. अब इंटू करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x cos x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sin x cos x dx. तो यहाँ पे दो फंक्शंस हैं, तो यहाँ पे आइलेट रूल लगेगा, और अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 कर दे तो हमारे पास ये हो जाएगा sin 2x. तो इसमें अगर आइलेट रूल लगाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा x इंटीग्रेशन cos x sin x आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन sin x dx प्लस 1/2 इसका sin 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस cos 2x/2 प्लस c, और sin x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास माइनस cos x आ जाएगा, और माइनस पहले से बाहर है, प्लस 1/4 माइनस cos 2x प्लस c. तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो हमारे पास आ गया है यहाँ पर i = x sin x प्लस cos x माइनस 1/4 cos 2x प्लस c. So this is our required integration.